हाय गाइस, हो बिल्कुल सारे अच्छे। मेरा आज का हॉल होने वाला है मीशो हॉल। इसमें जितने भी मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ में ना अमेज़ॉन का भी लिंक दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी को ट्रस्ट नहीं होता मीशो पर, कई बार मेरे साथ भी गलत हुआ है, मतलब मैंने मंगवाया कुछ और कुछ और गया। बट सारे ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं आपको जो दिखाया, ऑफकोर्स आपको सेम मिलने वाले हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मुझे रिसीव हुआ हो सकता है आपको ना हो, तो इसलिए मैंने अमेज़ॉन का लिंक भी दिया है। अगर आपको अमेज़ॉन पर ज़्यादा ट्रस्ट हो, आप अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं और प्राइस दोनों में चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको बेटर मिलता है। इसमें फर्स्ट जो मैंने मंगवाया है ये है बुद्धा स्टैचू। ये काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें ना और भी कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। बट क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी निकली, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है इनकी। और ये वाला जो है ना गाइस, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो अभी तक ऐसा कहीं से भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि इसके जो मटेरियल वगैरह दिया ना बहुत ही प्यारा है। आई थिंक ये चीनी मिट्टी का ही है, बट वो है भी, मतलब चीनी मिट्टी भी नहीं बोल सकते, मतलब इसके मटेरियल, क्योंकि उस पर लिखा हुआ नहीं, बट जो भी है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और फिनिशिंग बहुत सुंदर फिनिशिंग दी। साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं, साइज़ की मैं बात करूँ बहुत ही छोटा साइज़ आप देख सकते हैं, बट बहुत प्यारा लगता है रखने के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस, जैसे अभी दिवाली वगैरह भी आ रही, तो उसमें काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ये है कैंडल होल्डर, और ये सेट ऑफ टू आता है। इसमें आपको कलर ऑप्शन और भी मिल जाएंगे। ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसकी भी इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी निकली है, एंड ज़्यादा बड़े नहीं है, बट ये बहुत सुंदर लगते हैं। इस टाइप की चीज़ें ना जब कोई भी फेस्टिवल आता है जैसे दिवाली वगैरह, उस टाइम में बहुत सुंदर लगते हैं। आप चाहे इनको हैंग कर सकते हैं, आप चाहे कहीं पर भी रख सकते हैं। इनमें जो कैंडल्स आती हैं, जो आर्टिफिशियल कैंडल्स आती हैं, वो आप रख सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। एंड फिनिशिंग इसकी भी बहुत प्यारी, कलर बहुत सुंदर लगे मुझे। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस, वो है ये गारमेंट टेप है। एक्चुअली ये लड़कियों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। जैसे इसको क्या होता है, कई बार आपने मान लीजिए डीप नेक पहना हुआ, क्लीवेज ज़्यादा दिख रही है आपकी, तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उस टाइम पे बहुत यूज़फुल है। इसको क्या करना होता है, यहाँ से आप उतारेंगे साइड से, फिर आप अपनी बॉडी पे पेस्ट करेंगे इसको, उसके बाद फिर ऊपर का ये उतार के जो इसमें दिया हुआ है, एंड इसको ऐसे पेस्ट कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से काम करता है। बट इसमें एक माइनस पॉइंट है, ये काफ़ी सारे मिलते हैं, बहुत सारे आते हैं, बट इसमें एक माइनस पॉइंट है। जैसे मैं अपने बेबी को फीड कराती हूँ, तो ऑफकोर्स जब आप फीड कराते हो ना, तो आपका ना जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये वर्क नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर आप फीड नहीं करा रहे हो तो ये बहुत अच्छे से काम करेंगे, बट जो फीड करा रहे हैं उनके लिए यूज़फुल नहीं है, तो प्लीज़ वो मत लीजिएगा इसको, बट वैसे आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये ज्वेलरी स्टैंड। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो हॉल करते हैं, मतलब जो रिव्यू वीडियो करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, जो जैसे मैं कई बार रिव्यू वीडियो करती हूँ ज्वेलरी की, तो मेरे साथ बड़ा इशू आता था कि मुझे ना ज्वेलरी बार बार अपने नेक पे लगा के दिखानी पड़ती थी, तो उस हिसाब से आपको बार बार निकालनी होती थी, पहननी होती थी, तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता था, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला हो जाता था। तो ये मैंने अभी मंगवाया है। इसमें फ़ायदा है कि आप ज्वेलरी सेट वगैरह लगा सकते हैं, इयररिंग्स लगा सकते हैं, साथ में मांगटिका लगा सकते हैं, और आप अच्छे से ना, मतलब इसको आप बहुत अच्छे से वीडियोस में शूट हो जाती है, तो एक बहुत अच्छा, वैसे आप पर्सनल यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, बट जो यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बनाते हैं इस टाइप की, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी के लिए। अंदर से वुडन का है, ऊपर से इसमें लेदर है, एंड पीछे फैब्रिक लगा हुआ है, तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, साइज़ काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी रीजनेबल था। आई थिंक ये 431 रुपीज़ को समथिंग का था, प्राइस मुझे सही से याद नहीं है, लिंक दी है तो आप उसमें एक बार चेक कर लेना, क्योंकि प्राइस वैसे ही अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये लाइट। ये बहुत सुंदर थी, बहुत ही प्यारी। जब टिकटॉक इंडिया में मतलब था, तब उस टाइम पे बहुत देखी थी मैंने उस पर, बहुत, और रील्स पे भी बहुत देखती थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं भी परचेज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थी ये लाइट। ये दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, प्लस आप जैसे अक्सर मेरे बैकग्राउंड पे देखते होंगे काफ़ी सुंदर सुंदर लाइटिंग दिखती है, तो वो यही है। जब आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उस टाइम पे ना लाइट का एक इफेक्ट अलग ही हो जाता है, एंड ना बहुत सारे कलर्स चेंज होते हैं, देखो काफ़ी सारे इसमें कलर्स चेंज होते हैं। एंड इसको चार्ज करने के लिए ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी टाइप है, बट इसके साथ चार्जिंग का केबल भी आता है, वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है मेरा, बट आप नॉर्मल सी टाइप का जो चार्जर होता है ना, उससे भी चार्ज कर सकते हैं इसको। एंड हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है, देखो आप जैसे इस पे हाथ रखोगे ना ये ऑन हो जाएगा, और ये देखो इसमें
ऐसा भी सिस्टम, मतलब एक बार आप इस पे हाथ प्रेस करोगे ना तो एक सिंगल बार, लेकिन एक दो बार करोगे तो ना वो कई सारे कलर्स एक साथ चेंज होने शुरू जाएंगे और ऐसे ही बंद हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस वो है ये वैसे केक स्टैंड है, बट इसके बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे आप वॉशरूम में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें अपना जो भी आपका डेली रूटीन वाला जो मेकअप का सामान है वो रख सकते हैं, फेस वॉश वगैरह रख सकते हैं, किचन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर आप परफ्यूम वगैरह रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। इसके मल्टीपर्पज़ यूज़ हैं बहुत सारे, ज़रूरी नहीं कि आप केक के लिए रखो, इसको बहुत सारे यूज़ेस क्योंकि आजकल इस टाइप के बहुत चल रहे हैं। एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वैसे केक स्टैंड में बहुत टाइप के आपको मिल जाएंगे, बट ये बहुत सुंदर लगता है। ये रोज़ गोल्ड में है एंड क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, साइज़ भी काफ़ी अच्छा साइज़ दिया हुआ है एंड ये भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ अभी तक। तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको एक केक स्टैंड चाहिए। केक स्टैंड भी नहीं चाहिए, अगर आपको परफ्यूम वगैरह के लिए या फिर अपने कुछ किचन के लिए या कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये एक्चुअली एग स्टोरेज बॉक्स है। इसमें 24 आ जाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में निकला है और इसमें इस टाइप से इसको खोलना होता है, इस चारों तरफ से दिया उसको बंद करने के लिए। ये देखो आप बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं निकला, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकली है इसकी। एंड हल्का सा इश्यू है बस ये वाला, यहाँ से बंद नहीं होता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जो एक ही जगह रखी है उसमें अगर हल्का फुल्का भी कुछ प्रॉब्लम हो तो ऐसा कोई नहीं होता, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और 24 जैसे मैंने आपको बोला 24 इसमें एग आ जाते एक साथ, तो काफ़ी अच्छी। इसमें आप सिंगल भी मिल जाएगा, आपको डबल भी, आई थिंक 3 लेयर वाला भी आता, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है, एक्चुअली मैंने ये मंगवाया हुआ था, मुझे पनीर वगैरह कई बार होता है कि आपको पनीर रखना होता है या फिर आपको ऐसा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको स्टोर करके रखनी होती है। एंड इसके अलावा चीज़ वगैरह आप रख सकते हैं और बटर आप रख सकते हैं, तो बटर में भी ये फ़ायदा होता है कि इसको बंद करके रख दीजिए, वैसे ही बटर के लिए ही है, बट इसमें काफ़ी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं फ्रिज में एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट इसमें आप कोई कलर ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते, आपको रैंडम कोई भी कलर भेज देंगे, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। अदरवाइज क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा, मतलब जो नेक्स्ट है गाइज वो है ये लाइट। इसको भी मैं अपने वीडियोस में बैकग्राउंड में यूज़ करती हूँ, ये काफ़ी अच्छे कलर्स हैं इसमें बहुत सारे, और काफ़ी सस्ती पड़ जाती है। बट इसके साथ वायर नहीं आती, वायर आपको खुद यू लगानी पड़ती है अलग से, एंड सिर्फ इतना, वैसे इतनी अच्छी, वैसे इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, बट क्या करना है आपको वीडियोस वगैरह तो बनानी है ना, तो वैसे ठीक ठाक क्वालिटी। इस बार मैं एक बार ना इसको चेक करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये देखो आप, इसमें ना बहुत सारे कलर्स वगैरह आते हैं एंड इसका ना रिमोट भी आता है इसके साथ, ये ऐसे बंद हो जाएगा इससे, ये रिमोट आता है एंड इससे ये ऑन हो जाएगा, एंड यहाँ से ना सारे कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको कलर्स वगैरह रखने हैं। तो ये बैकग्राउंड वगैरह पे रखते हैं ना जब वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो सारे कलर्स चेंज हो जाएंगे जैसे भी आपको करने हैं, तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें, मतलब इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आते हैं, RGB कलर्स आते हैं ये देखो, क्योंकि RGB लाइट्स ना वीडियोज़ वगैरह की बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, मतलब एक बैकग्राउंड ना थोड़ा सा अलग ही हो जाता है जो वीडियोज़ बनाने में अच्छा लगता है। तो ये वाली आप ट्राई कर सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल थी गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब 110 रुपीज़ की थी ये, कुछ ऐसे ही थी, 100 या 110 कुछ ऐसे ही थी ये। एंड गाइस इसके बाद नेक्स्ट है ये लाइट। इस हॉल में मैंने मतलब बहुत सारी लाइट दिखा दी आपको, बट ठीक है क्योंकि यार दिवाली आने वाली, दिवाली में बहुत सारी लाइट्स चाहिए होती है, तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए ये हॉल। एंड ये सेट ऑफ 3 आती हैं, सबसे बड़ी उससे छोटी उससे छोटी, और ये इसके साथ ना ये बैटरी ऑपरेट आती है, तो देखो इसमें बैटरी अंदर इनबिल्ड है, मतलब आप चेंज कर सकते, इनबिल्ड नहीं बोल सकते आप कि इसको आप बार बार चेंज कर सकते हो। छोटे छोटे वाले जो सेल आते हैं ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर खुल जाता है तो वो छोटे वाले जो आते हैं वो इसमें डालने होते हैं। और ये देखिए तो ये काफ़ी सुंदर लगती है ना, बहुत ही प्यारी है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कि ऐसा नहीं लगता कि फेक है, बहुत ही रियल लगती है देखने में। और ये देखिए इनका शेप भी ऐसे ही दिया हुआ अंदर से, ऐसे होता है ना कि जो कैंडल पिघलने शुरू जाती है उनका शेप बन जाता है, सेम ऐसे ही दिया हुआ है, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने ऐसी ना काफ़ी सारी वेबसाइट पे देखी थी, बट बहुत ज़्यादा महंगी देखी थी, बट ये काफ़ी रीजनेबल थी, ये 384 रुपीज़ में मुझे मिली थी। बट रेट अप डाउन होते थे एंड डिपेंड करता है मीशो पे, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं आप या
आप ऑनलाइन पेमेंट उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है प्राइस में। एंड इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट है, लास्ट नहीं नेक्स्ट, ये है ये फ्लोर लैम्प। इसके लिए मुझे इतनी वो आते हैं ना, कमेंट्स आते हैं कि हद से ज़्यादा मुझे आते हैं कि ये कहाँ कि मीशो का लिंक दे दो, मीशो का लिंक दे दो। लेकिन ये मीशो पे जिस दिन से मैंने लिया और आज तक आउट ऑफ स्टॉक ही है। मतलब ये इतनी अच्छी क्वालिटी निकली ना गाइस, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ही। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसकी बहुत ही प्यारी क्वालिटी निकली है। मैं आपको एक बार दिखा दूँ पूरा। इसमें भी आपको कलर काफ़ी सारे मिल जाते हैं। एंड एक्चुअली इसका जो वुडन कलर है ना, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। एंड इसकी क्वालिटी अमेजिंग क्वालिटी है। बल्ब इसके साथ नहीं आता, आपको परचेज करना होता है, बट ये बहुत प्यारा गाइस। तो सेम ऐसा ना आपको अमेज़ॉन पे काफ़ी ठीक ठाक रेट में मिल जाता है, तो आप अमेज़ॉन से परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप चेकआउट कर लेना इसका। क्योंकि गाइस इसको ना मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर चुकी हूँ तब से कि मिल जाए मुझे, क्योंकि मेरे पास आए दिन यही आता है कि इसका लिंक दे दीजिए। आप मेरा अगर यूट्यूब पे चैनल चेक करोगे ना, ये वाली वीडियो चेक करोगे, तो सबसे ज़्यादा इसी पे आता है कि लिंक भेज दे दीजिए मुझे। लेकिन इसका लिंक ही नहीं है, तो अमेज़ॉन का लिंक मैंने आपको दे दिया, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इसमें आपको बहुत सारे कलर्स वहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ से समझ नहीं, तो मैं मीशो से परचेज कर सकते हैं। मीशो पर मैंने लिंक दे दिया जो भी इसके अलावा है। इसके बाद जो नेक्स्ट से एक और बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास, आता है प्लांट का। वो इतने उसके मैसेज आते हैं मेरे पास कि ये कहाँ से लिया, ये भी कर, मतलब दो तीन चीज़ें ऐसी हैं उनके लिए मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, तो गाइस ये रहा वो प्लांट, ये देखो। ये ना मैंने इसको एक पॉट में रखा हुआ है, अभी तो मैंने फिलहाल ऐसे रखा, बस वैसे एक पॉट में रखा हुआ है। बहुत सुंदर लगता है ये भी अब नहीं है, तो ये भी मैंने आपको अमेज़ॉन का लिंक दे दिया, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मीशो का भी दे रही हूँ कोई और किसी सेलर का, तो आप चेक कर सकते हैं। बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी गाइस, बहुत ही प्यारी क्वालिटी। एंड गाइस इसके बाद लास्ट प्रोडक्ट है ये बेडशीट रनर। बेड रनर भी बोल सकते हो उसको, बेडशीट रनर भी बोल सकते हो आप इसको। और इसको आप वैसे टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये मतलब स्पेशली आता बेड के लिए, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा साइज़ आता है बेड के अकॉर्डिंग ही आता है, डबल बेड के। इसके साथ दो कुशन कवर मिलते हैं, ये है एक और है, तो ये सेम ऐसे मिलते हैं। देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एंड ये इसका ना डिज़ाइन बहुत मतलब प्लेन है, बट ये इस टाइप ना स्टिचिंग काफ़ी अच्छी लगती है। और ऐसे ही इस पर पूरे रनर पे है, बैक साइड से इस टाइप का ही और साइड से आप देखो कट है, तो ये बहुत सुंदर लगता है। एंड इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। एंड गाइस अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट हॉल में, तब तक के लिए बाय बाय।